काइन मास्टर में जब भी हम किसी वीडियो को एडिट करके एक्सपोर्ट करते हैं तो कई बार हमारे सामने ये एरर आती है, समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल सेविंग, ठीक है, और नो एक्शन यहाँ पर लिखा हुआ होता है। तो बेसिकली इस एरर को किससे ठीक करते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वैसे तो आपको YouTube पर ऐसे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे जिनमें जो बताया जाता है कि आप इसकी जो कैपेबिलिटी है इसकी सेटिंग को रीसेट करिए, इसका डाटा क्लियर करिए, इसको डिलीट करके वापस इंस्टॉल कीजिए। लेकिन मैंने सब कुछ करके ट्राई करा लेकिन ये जो एरर है वो आती है, बार बार आती है। कई बार कुछ केस में होता है कि ये एरर ठीक हो जाती है कुछ मोबाइल में, लेकिन मेरे साथ यही हुआ कि ये जो एरर है बार बार आती है। मैंने सब कुछ करके ट्राई कर लिया, तो उसके बाद यहाँ पर मैंने एक नया तरीका ईजाद किया जो कि मेरा ही है, ठीक है। तो उस तरीके से आप भी जो काइन मास्टर है उसमें आने वाली इस एरर से छुटकारा पा सकते हैं। तो वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये एरर आती क्यों है। तो देखिए, कुछ वीडियो जिन खास तौर से ये जो एरर है उस समय आती है जब हम किसी मोबाइल की या कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो को एडिट करते हैं तब आते हैं, या कई बार जो नॉर्मल वीडियो उनमें भी आ जाती है। खासतौर से ये एरर तब आती है जब उस वीडियो की क्वालिटी में कुछ कमी हो, कुछ दिक्कत हो, ठीक है, तो तब ये एरर आती है। तो आप इस एरर को कैसे ठीक कर सकते हैं वो चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको प्ले स्टोर में जाना है और कोई दूसरी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पर वीटा एप्लीकेशन है जो मैं यूज करता हूँ नॉर्मली, ठीक है, और वीटा एप्लीकेशन में सेम वही वीडियो काम एडिट भी हो जाता है, ठीक है। एडिट करना ही नहीं है हमें, एक बार इस एप्लीकेशन में वीडियो को डाल के एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद जो एक्सपोर्ट वाली नया जो एक्सपोर्ट किया हुआ हमारा नया वीडियो होगा उसको आप एडिट कीजिएगा, तो काइन मास्टर में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वीटा एप्लीकेशन मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है, ठीक है, तो इसको हम ओपन करेंगे वीटा। पहले तो मैं आपको काइन मास्टर में वो वीडियो दिखा देता हूँ, ये देखिए, वापस काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करते हैं। देख जाता हूँ मैं एक बार, ये देखिए यहाँ पर 4 मिनट और 8 सेकंड का ये वाला वीडियो है, ठीक है, तो इसमें ये दिक्कत आ रही है। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, एक बार वीटा ये जो एप्लीकेशन है इसमें डालेंगे और इससे एक्सपोर्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो वीडियो आप सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हम यहाँ पर ये 4 मिनट 8 सेकंड का ये वाला वीडियो था ये हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इस बटन पे आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ पर इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी इसमें एडिटिंग करनी है। एडिटिंग में मैं क्या करता हूँ नॉर्मली, यहाँ पर एडिट पर क्लिक करता हूँ और ये जो 4 मिनट 8 सेकंड का वीडियो है इसको थोड़ा सा यहाँ से क्रॉप कर देता हूँ। ये देखिए इतना मैंने ट्रिम कर दिया इस वीडियो को, पहले 4 मिनट 8 सेकंड का था, अभी 4 मिनट और 7 सेकंड का हो गया है, ठीक है, इतनी एडिटिंग हमने कर दी। उसके बाद इस बटन पे आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ पर देखिए इसकी क्वालिटी आप 1080 सिलेक्ट करेंगे तो कई बार सेव होता है कई बार नहीं होता, तो हम 720 ही यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो अभी जैसे ये 100% हो जाएगा तो उसके बाद आपके मोबाइल में ये जो वीडियो है इसकी एक नई फाइल जो है सेव हो जाएगी, और उसके बाद जो नया वाला वीडियो होगा अभी जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसको जब आप काइन मास्टर में एडिट करेंगे तो बिल्कुल एडिट हो जाएगा और एक्सपोर्ट भी हो जाएगा, आपके सामने कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक कि ये 100% नहीं हो जाता, उसके बाद मैं आपको आगे की प्रोसेस बता दूंगा। तो अभी देखिए हमारा वीडियो पूरी तरह से सेव हो चुका है, एक्सपोर्ट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, वापस काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करेंगे क्योंकि हमें एडिटिंग तो काइन मास्टर में करनी है। तो काइन मास्टर एप्लीकेशन हमने ओपन कर ली, ठीक है, और यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट लेंगे, इसको तो अभी यहाँ से बेक कर सकते हैं कर देंगे। अभी हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे ये प्रोजेक्ट ले लेते हैं। इसके बाद अभी देखिए वीटा नाम से ये फोल्डर बन गया, इसके अंदर ये नया वाला हमारा वीडियो है, ये देखिए ये आ गया। इसमें फ़िलहाल मैं कुछ भी एडिटिंग करूँगा नहीं, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला वीडियो अभी हम एक्सपोर्ट करेंगे, सेव एज वीडियो पे क्लिक करेंगे। अभी आप देख पाएंगे कि हमारे सामने जो पहले एरर आई थी वो अब नहीं आएगी, हमारा वीडियो पूरी तरह से सेव हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा हमारे सामने ये वाली एरर नहीं आएगी, अभी हमारा वीडियो पूरी तरह से सेव हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ये वाला वीडियो है ये गैलरी में सेव हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी जो है अगर काइन मास्टर में ये वाली एरर आपसे ठीक नहीं हो रही है तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। पहले उस वीडियो को किसी दूसरे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डालकर उसको एक्सपोर्ट कर लीजिए, उसके बाद उसी वीडियो जो नया वाला वीडियो है जो अभी आपने एक्सपोर्ट किया है और जो प्राप्त हुआ है वो आपको काइन मास्टर में डालकर आप उसको एडिट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।